खमजेरा थाना पुलिस ने ग्राम जलोकिया की 16 साल की युवती सविना की सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा 24 घंटे में ही कर दिया, जिसमें युवती के भाई ने चरित शंका को लेकर अपनी बहन की हत्या कर दी थी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि ग्राम जलोकिया की 16 साल की युवती सविना की हत्या के मामले में फरियादी कालू पिता बूचा डामोर ने अमजेरा थाने में मर्ग सूचना दर्ज कराई थी कि शादी समारोह में गए परिवार के सभी लोग जब वापस रात को 3 बजे लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वह दरवाजा जैसे ही खोलकर अंदर गए उनकी 16 वर्षीय लड़की मृत अवस्था में मिली, जिसके नाक से खून बह रहा था। वह गले पर नाखून के निशान व घाव दिखाई दे रहे थे। जिस वक्त पुलिस ने घटना स्थल की जाँच पड़ताल कर सबूत जुटाकर मतिका का पोस्टमार्टम करवाया। उस आधार पर गंभीरता से जांच पड़ताल की गई तो मृतिका के भाई राधेश्याम द्वारा शादी समारोह में मारपीट करने की बात सामने आई। मृतिका के भाई को हिरासत में लेकर सख्ती से जब पूछताछ की गई तो राधेश्याम पुलिस को गुमराह करता रहा, जिसके बाद पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना जुर्म स्वीकारा और बताया कि सविना 9 मई को रात्रि में जलोकिया के रमेश के यहाँ शादी के बहाने में गई थी। वो बहाने से रात 10 बजे से गायब हो गई थी, जिस पर आरोपी द्वारा उसे ढूंढा भी गया पर वो कहीं नहीं मिली। तो राधेश्याम को शक हुआ कि बहन किसी लड़के के साथ भाग गई है। वह रात्रि में करीब 12:30 बजे दोबारा बहन बाने में दिखाई दी तो उसने गुस्से में आकर बाने में ही 3-4 झापड़ अपनी बहन को जड़ दिए और घर पर लाकर गायब होने का कारण पूछने पर जवाब न मिलने से गुस्से में आकर जान से खत्म करने की नीयत से उसने बहन का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, दीवार तोड़कर बाहर निकल गया ताकि किसी को इस मामले में उस पर कोई शक न हो। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी के ऊपर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे में अमजेरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार व उनकी टीम की विशेष भूमिका रही। एक बहुत ही जघन्य हत्या का प्रकरण है, जिसपे एक भाई ने अपनी बहन का मर्डर किया है। 9 मई का घटनाक्रम है। ग्राम जलोकिया थाना अमजेरा का जो गाँव है, उस गांव में सूचना मिली थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा त्वरित रूप से मौके पर पहुंचे, उस बच्ची की बॉडी के दाह संस्कार को रुकवाया, पंचनामा बनाया, उसके गले के ऊपर कुछ निशान प्रदर्शित हुए, मर्ग पंजीबद्ध किया गया, स्पॉट को विजिट किया गया, जिससे ये लगा कि ये आत्महत्या के बजाय ये एक हत्या का प्रकरण है। स्ट्रेंगुलेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके घटनाक्रम के तह में गए, पूरे परिवारजनों को घंघाला। उसके भाई के द्वारा पहले नानुकुर की गई, किंतु बाद में उसने अपराध कबूल किया और घटना का जो कारण मालूम पड़ा है उसमें ये हुआ कि उसी दिन राधेश्याम डामोर के घर में एक बांधने का कार्यक्रम था, जिसमें बच्ची गई हुई थी और 2 घंटे के लिए वो उस वक्त उसके भाई को नहीं मिली। उसको शंका हुई कि ये कहीं ना कहीं किसी के साथ में जाने की आशंका है, उस संबंध में उस शंका प्रकट की, जिसको उसके साथ मारपिटाई भी की थी। घर पर लाके उसने घर में उसको मारपिटाई की और उसके गला घोट के हत्या की और दीवार तोड़ के भाग गया। पुलिस ने समस्त परिस्थितियों का आकलन करके पंजीबद्ध प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी की है और पोस्टमार्टम PR लेकर उसमें अन्य कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे SDOP मीणा, थाना प्रभारी कमल सिंह पवार, उनकी टीम में प्रशांत पाल, गणपत, संदीप, निसार, शुभम राजा, रामगोपाल, राहुल, जयेंद्र, इनकी बहुत विशेष भूमिका रही है। इस चित्र उनके उत्साहवर्धन के लिए हम प्रोत्साहित भी करेंगे, इनाम से भी इन लोगों